स्टूडेंट्स वेलकम टू ओरिजिनल एडुकेशन। आज हम आपके लिए नई जॉब की अपडेट लाए हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ विधानसभा हैज इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ 48 असिस्टेंट पोस्ट क्लर्क की वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। द एप्लीकेशंस हैव टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ विधानसभा ऑफ छत्तीसगढ़। आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होगी छत्तीसगढ़ की विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। डिपार्टमेंट विल कंडक्ट अ रिटन एग्जामिनेशन। इस जॉब के लिए अगर आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स दोज हु विल क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन विल गो थ्रू द पर्सनल इंटरव्यू। जिस भी स्टूडेंट्स ने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया होगा उनको आगे भेजा जाएगा पर्सनल इंटरव्यू में। पर्सनल इंटरव्यू में कुछ आपके बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी वैकेंसी से रिलेटेड एंड आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, राउंड फॉर फाइनल सिलेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका सब कुछ चेकआउट किया जाएगा कि आपकी सारी डिग्रीज आपकी सारी क्वालिफिकेशन फुल प्रूफ हैं कि नहीं है। कुछ भी फेक क्लू होगा तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपको रिजेक्शन हो सकता है। सब कुछ राइट होना चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए। इस जॉब से रिलेटेड आपको सारी जानकारी पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगी। आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.cgvidhansabha.government.in। इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए, पीडीएफ पूरा पढ़िए एंड केयरफुली पढ़िएगा। स्टूडेंट्स, वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले आप पीडीएफ पढ़िए। पीडीएफ में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एंड आपकी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एंड आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, सब कुछ जानने सारी जानकारी पीडीएफ में अवेलेबल है। पीडीएफ हिंदी में अवेलेबल है, आपको सारी जानकारी हिंदी में ही पीडीएफ में पढ़ने मिलेगी। आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए एंड पीडीएफ पूरा पढ़िए, देन वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। वैकेंसीज एंड पे स्केल आपको यहाँ पर मेंशन किया गया। असिस्टेंट जीआर थर्ड क्लर्क की वैकेंसी है, 48 सीट्स इसमें अवेलेबल हैं एंड उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स पीडीएफ में मेंशन की गई है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। पे स्केल यहाँ पर मेंशन किया गया ₹19,500 से लेकर ₹62,000 पे स्केल लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको दिया जा सकता है अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए आपकी होनी चाहिए। ऑल एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 12th क्लास एग्जामिनेशन अंडर एनी स्ट्रीम एंड हैव 1 year's कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा कैन अप्लाई फॉर दीज गवर्नमेंट जॉब इन छत्तीसगढ़। जिन किसी भी कैंडिडेट्स ने 12th क्लास का एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ पास आउट किया है एंड उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा 1 year का कोर्स कंप्लीट किया है वो ही इस गवर्नमेंट जॉब के लिए छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई है, मस्ट हैव एज इन बिटवीन 18 years to 40 years यानी कि 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 18 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप 18 ईयर्स क्रॉस कर चुके होंगे एंड 40 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन ऑब्वियसली आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। जो भी की गवर्नमेंट्स रूल्स के अकॉर्डिंग एज से रिलेटेड जितनी छूट दी जाती है, जितना एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको ऑब्वियसली दिया जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड फॉर अप्लाइंग दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस, ओके, एप्लीकेशन फी यहाँ पर मेंशन की है, फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए ₹350, फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ₹250, फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए ₹200। यू हैव टू पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू ऑनलाइन मेथड। वेरियस ऑनलाइन मेथड विच यू कैन यूज आर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। वेरियस ऑनलाइन मेथड हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। आपको जो मेथड ईजी लगता है, आपको जो मेथड सूटेबल लगता है, आप उस मेथड के अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन फी सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डेट यहाँ पर मेंशन की गई, स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मार्च 2019 यानी कि आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, पीडीएफ ओपन हो रहा है। आप वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 मार्च 2019 आपके लास्ट डेट है एंड 20 मार्च यानी कि आज से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने यही वाले कंप्लीट की है एंड आप अप्लाई करना चाहते हो तो पीडी वेबसाइट पर विजिट कीजिए www.cgvidhansabha.government.in। इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए, पीडीएफ पूरा पढ़िए, देन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, आप अगर इस वैकेंसी के लिए गवर्नमेंट्स वैकेंसी के लिए छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई करते हैं तो आप वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन या फिर ब्लू इंक पेन से ही सिग्नेचर कीजिएगा।
सिग्नेचर आपके कैपिटल वर्ड्स में नहीं होने चाहिए, नॉर्मली जो सिग्नेचर आप करते हैं वही कीजिएगा। रेड एंड ग्रीन पेन से मत कीजिएगा, ब्लू इंक पेन या फिर ब्लैक इंक पेन, उन सिग्नेचर को आप स्कैन करवाइएगा एंड आपकी रिसेंटली कलर्ड फ़ोटो चलेगी, पुरानी फ़ोटो नहीं चलेगी, ना ही ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो चलेगी। रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाइएगा, देन उस फोटो एंड सिग्नेचर को आप स्कैन करवाइएगा। फ़ोटो का साइज एंड सिग्नेचर का साइज आप पीडीएफ में चेकआउट कर दीजिए। इस वैकेंसी के लिए जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है आपका, किस वैकेंसी के लिए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, आप सब कुछ पीडीएफ में चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, आप ये भी पीडीएफ में चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो भी आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है पीडीएफ में, वो भी आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ हिंदी में अवेलेबल है, सारी जानकारी हिंदी में पीडीएफ में मिल जाएगी। एंड अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, तो स्टूडेंट्स आपके पास आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाता है आपका, फ्यूचर में आपके इस जॉब से रिलेटेड कोई भी अलाउंस निकलते हैं या कोई भी फैसिलिटीज़ निकलती है, वो आपके कास्ट के सर्टिफिकेट अटैच करने पर ही आपको मिलेगी। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया है लेकिन आपने अपना कास्ट का सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया, तो आपके सारे अलाउंस एंड फैसिलिटीज़ आपको नहीं दी जाएंगी, वो सिर्फ आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको दी जाएंगी। ओके, अगर आपके पास अपना कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए एंड वेबसाइट पर विजिट कीजिए। 31 मार्च 2019 आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले अप्लाई कर लीजिए अगर वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स और उन फ्रेंड्स तक जिन्हें मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, एंड मेन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं न्यू नई जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाती रहूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।